हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ उनेस और आज आप देख रहे हैं टेक्निकल गेमर। तो मैं आज आपको देने वाला हूँ GTA SL Lite, वो भी 300 MB में। तो सबसे पहले आप छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने जेड आर्चीवर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने सिंपल स्टॉपिंग करना है। तो मैं आपको दो लिंक दे दूंगा, एक डाटा की होगी और एक APK की होगी, GTA SL Lite की APK की। तो सिंपल पहले आपने जिसे लाइट GTA SL Lite को आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, अपने फ़ोन में। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सिंपल आपने जो GTA SL Lite को इंस्टॉल कर लेना है। तो एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत टाइम लगाएगा जब पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो बहुत थोड़ी थोड़ी बहुत लंबी हो रही जा रही है, तो मैं स्किप कर लेता हूँ वीडियो को, सॉरी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ऐप इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपल आपने करना है डन, ठीक है। डन करने के बाद फिर आपके पास रह जाता है कॉम्प्यूटर रजिस्टर GTA SL का डाटा। तो सिंपल आपने इसको टैप करना है और व्यू, और इस फोल्डर को जो है आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड डेटा बस यहीं पे आपने पेस्ट कर देना है। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लगा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कॉमोडोर ऑर्केस्ट्रा GTA SL का यहाँ पर जो फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने क्या करना है कि आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। उस एप्लीकेशन का नाम है जी, CPUZ। तो यहाँ पर सिंपल आपने सर्च करना है, CPUZ। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सीपीयू जेड है वो डाउनलोड हो चुका है, बस इंस्टॉल होगा। तो सिंपल आपने ओपन कर देना है इसको। कहाँ गया सीपीयू जेड? तो मैं वापसी डाउनलोड कर लेता हूँ यार, पता नहीं क्यों। तो फिर से जो मैं इसको इस वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। पानी यार क्यों नहीं हो रहा? तो मैं सीपीयू जेड डाउनलोड करके फिर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने सीपीयू जेड जो है वो डाउनलोड कर लिया है। तो सिंपल आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा जीपीयू रेंडर, यहाँ पर लिखा होगा जीपीयू रेंडर के सामने देखो यहाँ पर आपका जो जीपीयू है वो माली है, ठीक है। यहाँ पर आपका पावर वीयर भी हो सकता है और भी कोई माली हो तो जीपीयू हो सकता है। तो यहाँ पर जो माली हो आप जो भी सीपीयू हो तो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो मेरा माली है, तो सिंपल आपने जाना है एग्जैक्ट ड्राइवर में, फिर एंड्रॉयड डेटा कॉम डॉट GDS फाइल्स txtb JJ3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीन जो फाइल हैं इसको आपने रीनेम कर देना है, ठीक है, अपने GPU के हिसाब से। तो अगर आपका जो GPU है वो माली है तो सिंपल आपने रेंट देना है, यहाँ पर रीनेम नहीं करना है, ETCA रेंट देना है। अगर आपका जो CPU माल पावर भी आ रहा है तो यहाँ पर आपने निकलना है PVR, ठीक है। तो आप ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर PVR। अगर आपका GPU एड्रेनो है तो आपने लिखना है DXT। इन तीनों GPU में से माली एड्रेनो पावर VR में से कोई भी आ सकता है। तो सिंपल आपने अगर आपका एड्रेनो तो DXT, अगर आपका पावर VR है तो PVR, अगर आपका माली है तो आपने रेंट देना है। ये तो मेरा माली है तो मैं रीनेम नहीं कर रहा, तो इन तीनों फाइलों को यहाँ पर रेंट कर देना है, जहाँ पर भी ETC लिखा हुआ है और GTINT को भी उस तरीके से आपने रेंट कर लेना है। और
मेन्यू को छोड़ देना है आपने, मोबाइल को भी कर देना है आपने, ठीक है, और प्लेयर को भी आपने प्लेयर को नहीं करना है आपने, और TXT को जो है आपने रीनेम कर लेना है। तो सिंपल, फिर आपने अपनी गेम को जो है ओपन करना है। तो हमारी गेम जो स्टार्ट हो चुकी है, तो वीडियो पर काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो सिंपल ऑफलाइन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपका जो गेम है वो 100% वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो GTA का कट सीन आ चुका है, तो सिंपल मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारा गेम जो है परफेक्टली वर्क कर चुका है 100%। आप देख सकते हैं कोई भी लेग जो है वो नहीं है गेम में, इतनी स्मूथ चल रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ चल रही है वर्क कर रही है। तो बाय सोभा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई अगली वीडियो में।